सो गाइज, रियलमी C1 के अंदर एक नया अपडेट्स आ चुका है जो कि मैंने अभी अभी चेक किया हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा उस सेटिंग्स ऑप्शन पर जाकर कि यहाँ पर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और इसका साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर क्या है। तो तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखते रहेगा एंड तक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सेटिंग्स पर जाते हैं, जाने के बाद नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। करने के बाद यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स यहाँ पर एक मार्क आया है, तो जस्ट हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर टैप कर लेंगे। करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू वर्जन ऑफ कलरवेस जो कि इसका बिल्ड नंबर है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, RMX18111EX11A.24, जिसका साइज़ है 79.9 MB, करीबन 80 MB इसका साइज़ है। तो गाइज़ हम इस पर लैन मोड पर क्लिक करके देख लेंगे कि हमें या इस अपडेट पर क्या कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो लैन मोड पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर गाइज देख सकते हो अपडेट लॉग दिख रहा है कि हमारा कैमरा पर इम्प्रूवमेंट हुआ है और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल को चेंजेस किया गया है। तो गाइज यहाँ पर कैमरा का जो इम्प्रूवमेंट क्वालिटी फॉर रियर कैमरा, जो रियर कैमरा है ना, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, मतलब कि लो क्वालिटी, ऐसा क्लियरिटी ही नहीं है इस कैमरा के। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, इस कैमरा का सैंपल अभी दिखाऊंगा। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो इसका क्वालिटी क्या है। तो अगर मैं इस कैमरा से क्लिक कर लेता हूँ पिक को, ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया हूँ। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। जैसे गाइस कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा इस कैमरा के अंदर, कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइज अब बढ़िया है सिक्योरिटी पैच लेवल का, जो गाइज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा रहा है कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 फरवरी 2019, मतलब कि अपडेट होने के बाद 5 फरवरी 2019 होगा। तो हम देख लेंगे कि अभी क्या रन कर रहा है कि इस अपडेट पर। तो पहले हम सेटिंग्स पर जाते हैं, जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर अबाउट फोन पर। तो अबाउट फोन पर जाने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जो कि 5 जनवरी 2019 यहाँ पर लिखा रहा है, ठीक है, तो अभी 5 जनवरी 2019 पर रन कर रहा है और अपडेट होने के बाद हो जाएगा 5 फरवरी 2019। तो सबसे पहले हम इसको अपडेट कर लेते हैं, हम डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। और गाइज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अपडेट होने के बाद कैमरा का क्वालिटी पहले कैसा था और उस अपडेट होने के बाद कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड पर कर देते हैं। तो गाइज हमारा डाउनलोड जो कि कंप्लीट हो चुका है, जैसे गाइज यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हम इसको अपडेट नाउ पर टैप करेंगे और कुछ देर वेट कर लेंगे। सो गाइज फाइनली हमारा जो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स पर चले जाते हैं। तो सेटिंग्स पर चले जाने के बाद तो हम यहाँ पर फिर से हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर जाएंगे। तो अभी डिटेक्टिंग हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पर मेरा लेटेस्ट वर्जन पर अपग्रेड हो चुका है। तो सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि सिस्टम अपडेट इन्जॉय, ठीक है, यहाँ पर लिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अबाउट फोन पर चले जाएंगे। तो अबाउट फोन पर चले जाने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल जो चेंजेस हो चुका है, जो कि 5 फरवरी 2019 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका कैमरा पर क्या इम्प्रूवमेंट्स हुआ है। तो सबसे पहले हम अपना बैक कैमरा को ओपन कर लेते हैं। गाइज यहाँ पर हम सबसे पहले अपना बैक कैमरा को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, मतलब कि पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कैमरा पर, जो कैमरा का क्वालिटी आप गाइस देख सकते हो। तो मैं आप यहाँ पर कुछ पिक्चर शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा, आप उस टू पिक्चर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पिक्चर को शूट कर लेते हैं। तो गाइज हमने पिक्चर को शूट कर लिया हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा आप। सो गाइज मैंने जो ये पिक्चर शूट किया हूँ तो नॉन पोर्ट्रेट मोड से है। सो गाइज यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, और आपका रियलमी C1 के अंदर अपडेट आ चुका है या नहीं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लो, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है। और फ्रेंड्स, आप चाहो तो मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है। और गाइज, टेक रिलेटेड एनी अदर क्वेश्चंस अगर करना है तो मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।